अब बिल्कुल देखिए, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, डाकबंगला चौराहा पहुंच चुके हैं तमाम जो भाजपा के नेता हैं, और डाकबंगला चौराहा पर तेज प्रदर्शन भी हो रहा है। जो दूर से जो तस्वीरें दिख पा रही हैं, डाकबंगला चौराहे पर बड़ी संख्या में जो पुलिस कर्मी हैं वो भी तैनात हैं, और बीजेपी के नेता भी तैनात हैं। वाटर कैनल भी चलाए जाने की तस्वीर यहां से दिख पा रही है, चूंकि गाड़ियां काफी इस रोड में जो आम लोग हैं जो वो गाड़ियां लेकर के यहां पर पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं उसके कारण भी थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है। आम लोग भी बड़ी संख्या में जाम में फंसे हैं जो डाकबंगला चौराहा से गांधी मैदान की ओर जिन्हें जाना है। और देखिए यहां पर तमाम, देखिए ये देखिए बीजेपी के नेता, लाठी चार्ज किया गया और उसके बाद प्रदर्शन कर रहे थे उसके बीच में लाठी चार्ज हुआ हमारे ऊपर। हम लोगों ने सिर्फ, मेरे हाथ में पार्टी का झंडा था, पतला झंडा था, बचाने के लिए आगे किए तो बोले बचाने के लिए उन्होंने मारना शुरू कर दिया। लोकतंत्र में चलिए आगे बढ़िए, लोकतंत्र का यही चेहरा है लाठी चार्ज के साथ। तो जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो जरूर इस वक्त थोड़ा परेशान करने वाली, क्योंकि लाठी चार्ज जब शुरू कर दिया गया है यहां पर, जिस तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर डाकबंगला चौराहा इस वक्त पहुंच चुके हैं विधानसभा मार्च करते हुए ये तमाम नेता और कार्यकर्ता, और जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन और अब लाठी चार्ज भी किया जाता हुआ बताया जा रहा है कि आम पब्लिक को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस मार्च की वजह से, जहां पर हालांकि ये रूट निर्धारित रूट ही बताया जा रहा है जिस रूट पर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता निकले हुए हैं आगे बढ़ते हुए कार्यकर्ता, लेकिन जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे वहां पर पुलिस इन कार्यकर्ताओं के ऊपर देखिए कैसे लाठियां जो है वो चटका रही है, और बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर दे दनादन अब लाठियां भाजनी शुरू कर दी है प्रशासन के लोगों की तरफ से। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, सदन से लेकर सदन के बाहर सड़क पर हंगामा और प्रदर्शन की ये तस्वीरें, जहां पर पुलिस वाले तैनात हैं और लोगों को यहां से तितर बितर किया जाता हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। अब ये कार्यकर्ता यहां जहां तक पहुंचे वहां पर उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता हुआ, देखिए कैसे मार्च एक तरफ आगे बढ़ता हुआ तो वहीं उनके सामने खड़ी है प्यार पुलिस, और यहां पर महिला नेत्री जो विभिन्न संगठनों की बीजेपी की पहुंची हुई है हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर, वो अब सड़कों पर बैठ गई हैं, और देखिए किस तादाद में चारों तरफ आपको पुलिस के जवान भी नजर आ रहे होंगे जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही है। और ये तस्वीर देखने के और बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का विधानसभा मार्च जहां विधानसभा की तरफ आगे बढ़ता हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अब भाई क्यों ये देखिए मनमानी कर रहा है, जाने नहीं दे रहा सबको, ये कोई तरीका है? आप जो शिक्षक तो जोर जबरदस्ती से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की अब की जा रही है यहाँ पर इन महिला नेत्रियों को जो कि सड़कों पर खड़ी हैं और प्रदर्शन करती हुई आगे बढ़ रही हैं, उन्हें अब रोकने के लिए महिला पुलिस बल की जो तैनाती की गई थी वो अब उन्हें पीछे धकेलती हुई यहाँ से हटाती हुई, और यहाँ पर धक्का मुक्की की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जिसका अंदेशा था, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी, सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, क्या अब इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग शुरू हो गया? गैस के गोले भी चलाए गए, आंसू गैस के, देखिए आंसू गैस के गोले भी चलाए जा रहे हैं, और डाकबंगला चौराहे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो रणभूमि में बन तब्दील हो चुकी है। देखिए ये डाकबंगला चौराहा पूरी तरीके से रणभूमि में तब्दील हो चुकी है, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उन पर लाठियां भी चलाई जा रही है, उन्हें हटाया जा रहा है, चूंकि विधानसभा मार्च को ये तमाम नेता यहाँ से जा रहे हैं, और देखिए यहाँ पर भी नेताओं को रोका जा रहा है, कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है, आंसू गैस के देखिए गोले यहाँ पर चलाए गए, उस खून का जवाब खून से देंगे, हम खून की कुर्बानी दे सकते हैं, आज माता बिहार के मांग रखने पे हाथ तोड़ दिया है, हमारे पार्षद का हाथ तोड़ रहा है,
मैं स्पष्ट कहता हूँ, हम बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए आंसू गैस के गोले, तो बिल्कुल अब यहाँ पर देखिए कैसे लाठी चार्ज भी आंसू गैस के गोले तक छोड़े जाते हुए इस भीड़ को, इस प्रदर्शन को रोकने के लिए, जहाँ पर बीजेपी विधानसभा मार्च करने के लिए निकली हुई है, जहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि हम पर जानबूझकर लाठियां चटकाई जा रही हैं, विधान पार्षद का हाथ तोड़ दिया गया, नितिन नवीन ये कहते नजर आए, फिर भी हम रुकेंगे नहीं। शैलेंद्र यहाँ महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा, और देखिए कैसे ये कार्यकर्ता रोड पर सड़कों पर गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि लाठी चार्ज न किया जाए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर है डाकबंगला चौराहे की, जहाँ पर किस तरीके से लाठी चार्ज यहाँ पर किया गया है। जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं, उन पर यहाँ लाठियां चलाई जा रही हैं और स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है। हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दूर से तस्वीर को बनाए, वो भी अपना बचाव पहले करे, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है वो अनियंत्रित हो चुकी है, अपनी सुरक्षा भी लाठी चार्ज क्यों, लाठी चार्ज की नौबत क्यों आ गई। देखिए किस तरीके से रणभूमि में बिल्कुल देखिए बीजेपी के जो नेता हैं वो विधानसभा मार्च के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया था, गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहा था। देखिए महिलाओं पर भी लाठीचार्ज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो महिला नेत्री हैं बीजेपी के, उन पर भी यहाँ पर लाठियां चलाई जा रही हैं, उन्हें भी खदेड़ा जा रहा है, उन्हें भी यहाँ से हटाया जा रहा है। पीठ पे कैसे मारी है, हाथ पे, माथा पे, घंटा चला के रोकना चाह रहा है, पुरुष पुलिस मारा है, पुरुष पुलिस गोली चलाया गया है, आंसू गैस चलाया गया है, हम लोग प्रेस से बात कर रहे हैं, आके मार रहा है, तो सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, लेकिन अभी हल्ला बोल में देखिए